गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी हैव कंप्लीटेड द फोर यूनिट. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड फोर्थ इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड योर अल्टरनेटिंग करंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू यूनिट, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द नेम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट स्टूडेंट्स. दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट. सिंपली यू नो द वेव, एनी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम दैट इज कॉल्ड वेव. इफ वी आर एनी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम दैट कोरस्पोंड अकॉर्डिंग टू द वेव. तो क्या होगी वेव? देखिए, अगर किसी भी मीडियम में पार्टिकल ओसिलेट करेगा तो हम ग्राफिकल मेथड से एक शेप बना सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, वेव. काफी टाइप्स की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैं आज करवाऊंगा, साउंड वेव सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैं आज करवाऊंगा वो आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव. तो आप थोड़ा सा 11th पर फोकस कीजिए. 11th में हमने वेव की डेफिनेशन की थी, जब हमने वेव थ्योरी की थी आपकी, वेव मोशन किया था. तो वेव में हमने क्या किया था, अगर पार्टिकल ओसिलेट करता है, ठीक है, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, एक ओसिलेशन कंप्लीट करता है, इसका मतलब वो किसी न किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस कोज करेगा, एक डिस्टरबेंस तैयार करेगा, बनाएगा. दैट इज कॉल्ड वेव. एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, पार्टिकल ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द डायरेक्शन ऑफ द वेव. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. इट इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट्स एंड फॉर्म अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. कौन सा डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, मतलब आप वैक्यूम लिख लीजिए. डिस्टर्बेंस इन वैक्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं, ईएम वेव. इट इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillates and form a disturbance in vacuum, that is called a electromagnetic wave. It is transverse wave. ये कौन सी होती है, transverse wave. मतलब electric field, magnetic field oscillate करते हैं time के according. Time बढ़ेगा, टाइम चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी ओसिलेट्स करेंगी. वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में ओसिलेट्स करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा किसी भी मीडियम में, मतलब वैक्यूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे. अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, सपोज कीजिए अगर y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. देखिए y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो x डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी. किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, x में. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी मिले, एनर्जी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हुई, ओसिलेट हुई, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी बनी. मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट हुई, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी बनी. वो एनर्जी मिलके जाएगी कहां, देखिए y डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ओसिलेट करिए, z डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक
फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो जाएगी कहां, एक ही एक्सिस बच गया, कौन सा एक्स, एक्स एक्सिस में वो एनर्जी जाएगी, मतलब वेव ट्रेवल किस में करेगी, एक्स एक्सिस में। ठीक है, आप दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आएगा, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जाएगी, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होंगे किसके, सी के, और सी क्या है आपका, ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवलिंग वेव डायरेक्शन। ठीक है, ये ट्रेवलिंग वेव डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, ये इसके 90 डिग्री है तो तीसरा भी तो 90 आएगा, बच गया तो एक ही एक्सिस, एक्स एक्सिस में वो क्या करेगी, ट्रेवल कर जाएगी। तो ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि वेव ट्रेवल किस तरीके से करती है, फिर उसके बाद आपको कहानी सारी की सारी पता लगेगी। देखिए डेफिनेशन के बाद आपकी आती है ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ग्राफ। तो देखिए बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर, और जेड एक्सिस कहां है, नीचे की तरफ, जेड एक्सिस नीचे की तरफ है। अब कुछ इस तरीके से है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। अब नीचे यहां पर आएगी ग्रोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है, ये आपकी ग्रोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पर, फिर वापस आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वापस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे की तरफ होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपकी ये वेव बनेगी, ये वेव बनेगी, ये क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई से डिनोट, जैसा कि मैंने बताया था। अब जेड डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, जेड डायरेक्शन में क्या होगा आपका, जो है इसी के परपेंडिकुलर, तो ये जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में होगा आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से जो जेड डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर ये आएगी आपकी, और इसके परपेंडिकुलर वापस कितनी आएगी आपकी, ये ही होगी जेड डायरेक्शन। तो अब ये वेव किस तरीके से बनेगी, ये वेव बनेगी इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये वेव इस तरीके से बनेगी बेटा, इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, यहां घूमकर। अब ये देखिए ये और ये आपस, ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, वेक्टर भी लगा सकते हैं आप इसमें। अब प्रोपेगेशन क्या है, प्रोपेगेशन क्या है आपकी, जो प्रोपेगेशन है आपकी वो आपकी किस तरीके से है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपका क्या कर रही है, वेव प्रोपेगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और आपका एक्स एक्सिस में क्या होगा, प्रोपेगेशन, मतलब जो इसको इससे एनर्जी मिली, इससे एनर्जी मिली, जाएगी कहां, वो एक्स डायरेक्शन में जाएगी आगे की तरफ। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ ईएम वेव, ग्राफ ऑफ ईएम वेव, ये से चलता रहता है ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले मैंने डेफिनेशन करवाई, उसके बाद मैंने ग्राफ करवाया। आफ्टर दिस वी आर हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट कर्व, जो तीसरी चीज है इसमें वो आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर्व। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए इसके लिए एक आप एक्सपेरिमेंट देखिए। मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने
एक्सपेरिमेंट किया डिस्प्लेसमेंट करंट को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एम्पेयर्स की भी हेल्प ली थी उसने, एम्पेयर सर्किट लो थी ना, जो एम्पेयर साइंटिस्ट था उसकी भी हेल्प ली थी इसने। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है, ये साइंटिस्ट था आपका मैक्सवेल। इसने क्या किया, बड़ा ध्यान से सुनिए, एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, और यहां उसने एक वायर से जोड़ दिया, यहां वायर से जोड़ दिया, फिर उसने ये देखा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें करंट पास हो रहा है, यहां भी करंट पास हो रहा है। अब आपको पता है करंट अगर किसी भी वायर में पास हो रहा है उसके चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हम कर चुके हैं एम्पेयर्स सर्किट लॉ में। अगर कोई भी कंडक्टर है उसके चारों तरफ क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। तो इसने देखा, मैक्सवेल ने ऐसा देखा कि क्या फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये कंपास लेके गया इसके पास और वो कंपास डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस वायर के चारों तरफ है। तो उसने इस पॉइंट पे देखा तो यहां पे इसका एक क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये पॉइंट था, ठीक है। फिर उसने यहां देखा, यहां भी कंपास लेके गया, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया इस तरीके का, ये पी डैश पॉइंट ले लेते हैं। फिर उसने यहां देखा, अब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, करंट तो है नहीं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो होना चाहिए, नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, क्योंकि करंट तो है ही नहीं। तो यहां पर उसने देखा तो एक मैग्नेटिक फील्ड आया, ये आपका पी डबल डैश पॉइंट होगा, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये जनरेट क्यों हुआ, हिसाब किताब से जनरेट नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि करंट तो है नहीं इसमें, करंट होगा तो जनरेट होगा ना, करंट तो है नहीं इसमें, फिर ऐसा क्या हुआ होगा। तो मैक्सवेल ने फाइनली एक थ्योरी बनाई, उसने क्या कहा कि ये जो आपकी सर्किट है अगर आप इसको एसी से जोड़ोगे, वेरिएबल एसी, मतलब एसी क्या होता है, एक वेरिएबल फील्ड। तो देखिए एसी में क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर की प्लेट है, यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या बन गया नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका सारा नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए हिसाब किताब से क्या होना चाहिए था, यहां पे कोई करंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने एसी से, मैक्सवेल ने क्या किया, इसको एसी से जोड़ दिया, ये एसी का ग्राफ था, करंट टाइम के हिसाब से क्या हो रहा था, चेंज, जो करंट था वो टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज। यहां पे देखिए ये टाइम है आपका, ये जीरो सेकंड है, वन सेकंड पे ये वैल्यू होगी करंट की, फिर नेक्स्ट सेकंड पे ये हो गई, फिर करंट घट गया, फिर ये वैल्यू होगी, फिर ये हो गई, फिर फाइनली आपका देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है आपकी और ये नेगेटिव साइकिल है, करंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया। तो चार्जेस की स्ट्रेंथ देखिए, पहले चार्जेस जो है आपके करंट है जीरो से चल के मैक्सिमम जाएगा, फिर आपका हाफ साइकिल में मिनिमम, इसका मतलब करंट चेंज हुआ, ठीक है। और फिर नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, ये इस साइकिल में है डायरेक्शन। अब होगा क्या, नेक्स्ट साइकिल में इतना तक होगा कि इस यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी मैं किसी दूसरे, और अब की बार ये आपकी डायरेक्शन फील्ड की आ जाएगी किसमें, हाफ साइकिल में, यानी करंट आपका चेंज हुआ दोनों साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में भी और आपका नेगेटिव साइकिल में, यानी ऊपर की साइकिल में भी नेगेटिव साइकिल में भी। अब थोड़ी सी बात ध्यान देखिए कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सवेल ने क्या रिजल्ट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ध्यान दीजिए कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी आएगी जरूर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वो क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जनरेट क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो रिवर्स इसका, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका चेंज पर है,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसने किया था? लेंजेज लो या फैराडेज लो, फैराडेज लो, ठीक है। फैराडेज ने ये कहा था ना, E=-dΦ/dt, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स क्या होगा आपका? BA cos θ, मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो EMF आएगी, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसलिए इस कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई तो मैक्सवेल ने एक करंट को एज्यूम किया जिसका नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। मैक्सवेल ने एक करंट को एज्यूम किया स्टूडेंट, जो आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्लियर। तो ये सारे के सारे समझाने के लिए थे आपको, अच्छी तरह से इसको नोट कीजिए, फिर आपको डेफिनेशन बताता हूं। तो आपकी डेफिनेशन, अब क्वेश्चन ये तो आपका समझने के लिए था कि भाई ऐसा हुआ क्यों। अब क्वेश्चन सिंपल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा आपका? द करंट प्रोड्यूस बाय अ वेरिएबल सोर्स, एसी सोर्स, बाय अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दैट इज करके लिख लीजिए, द फील्ड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो फील्ड है जो टाइम के हिसाब से क्या होती है? चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे जो करंट जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या एक्सप्रेशन होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की, वैल्यू क्या आएगी आपकी? अब एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट करंट की करने के लिए आप सिंपल गॉस थ्योरम की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लक्स चेंज करना था। एम्पेयर सर्किट लॉ क्या थी आपकी? BdL=μ0I, ये क्या थी? एम्पेयर सर्किट लॉ। अब डिस्प्लेसमेंट, देखिए फ्लक्स, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना था तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स E क्या होता है? EA cos θ, cos थीटा कहीं ना कहीं मैक्सिमम रहा होगा, तो phi E कितना बन गया? E into A, क्लियर स्टूडेंट। अब हम कहीं ना कहीं से चार्ज की वैल्यू लेके आएंगे, E की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू क्या होगी? Q/4πε0R² into A। अब हमें क्या करना है? अब देखिए πr² ये a बन गया, πr² की वैल्यू कितनी होती है? a, तो ये फाई e किसके बराबर आ गया आपका? Q/4πr² तो बन गया, εa into a, 4π भी था, a से a कैंसिल हो गया, तो फाई e की वैल्यू कितनी होगी आपकी? Q/4π 4επ, पाई तो पाई आर स्क्वायर तो खत्म हो गया। अब 4 भी कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। 4 क्या है? कांस्टेंट, मतलब यहां पर कर रहे हैं हम, यानी जो फ्लक्स है आपका फाई की Q/επ आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेरिएबल ऐसी है,
डी फाई ई बाय डी टी शुड बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी इंटू वन बाय एफ नोट। तो ये डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी एक तरफ और एफ नोट डी फाई ई बाय डी टी। अब डी क्यू बाय डी टी क्या है? करंट है। कौन सा करंट? जो कैपेसिटर में हमने एज्यूम किया था, मैक्सवेल ने एज्यूम किया था, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से आ रहा है ना। तो इसको आई लिख लीजिए, यहां पे कर देता हूं। आई कितना हो गया? एफ नोट डी फाई ई बाय डी टी, दिस इज कोर डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डी लिख दीजिए इसको, ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज अबाउट एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपकी एक्सप्रेशन है किसकी? डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन को दोबारा करवा देता हूं। ये तो सिर्फ सिंपल बताने के लिए थी, बीडीएल विनोटा, इसका कोई काम नहीं है इसमें। हमें क्या करना था? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करना था। मैंने बताया ना उसमें कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हुई है, चेंज हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करनी थी, मतलब उसके लिए फ्लक्स तो चाहिएगा, तो फ्लक्स ले लिया ईए कोस थीटा, थीटा को मैक्सिमम कर दिया, ईए बन गया। इसको लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर दोबारा से उधर से इधर आई थी, वो क्या थी? क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर ये क्या बन गया? ए बन गया। तो पाई आर स्क्वायर ए बन गया, तो फाई ई क्या बन गया? क्यू डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन, ए से ए ऊपर था, ए नीचे, कैंसिल हो गया। 4 को भी हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। तो ये बन गया फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब इसको, अब ये क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि वेरिएबल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब फ्लक्स तो चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज हुआ इसके टाइम के अकॉर्डिंग, तो डी फाई बाय डी टी डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये डी क्यू बाय डी टी बन गया इनटू वन बाय एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये डी क्यू बाय डी टी एक करंट होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का टाइम के हिसाब से चेंज होता है, वो करंट होता है। तो ये करंट बन गया आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई बाय डी टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसको समझिए ढंग से। सो टुमोरो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, थैंक यू।